राजस्थान में विधानसभा के मुख्य चुनाव के नामांकन का दौर जारी है। उसी क्रम में आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। राजस्थान में प्रचार का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान में सरकार बदलती है परसेप्शन से, जनधारणा से। जनधारणा कांग्रेस के विपरीत है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखती है। सरकार बदलती है एंटी इनकम्बेंसी से, सत्ता विरोधी रुझान से, लहर से। लेकिन केवल सत्ता विरोधी लहर नहीं है, एक जनाक्रोश राजस्थान की सड़कों पर दिखता है। किसानों की वादा खिलाफी के तौर पर, बेरोजगारों के सपने तोड़ने के तौर पर, पेपर लीक के जरिए भ्रष्टाचार में सचिवालय के कमरों में रुपया और सोना मिलना इस बात की पुष्टि करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी और करप्शन सर्वे भी इस बात की पुष्टि करता है कि राजस्थान भ्रष्टतम राज्यों में शुमार हो गया। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है, रामनवमी के प्रतिबंध लगता है और PFI को हिजाब पर परमिशन दी जाती है। कन्हैयालाल की गर्दन काट दी जाती है। कानून व्यवस्था बदहाल है, 17 बलात्कार 7 हत्याएं, ये सरकार का इकबाल गिर चुके ने होने की गारंटी देता है। और इसलिए किसी भी पक्ष से ये सरकार पूरे तरीके से नकारा हो चुकी है। सदन में भी और सदन के बाहर भी आक्रोश व्यक्त हुआ, लेकिन इस बार जो अल्टीमेट आक्रोश है, जनाक्रोश है, वो EVM पर प्रकट होगा। कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक हार की तरफ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी 150 से भी ज़्यादा सीटों के अपने पुराने उसी क्रम को दोहराने की उत्कंठा में है। और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार राजस्थान भी मजबूती से जीतेंगे और आमेर भी पूरी मजबूती से जीतेंगे। देखिए, ED संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रही है। कांग्रेस के लोगों को उदारता से आगे आकर उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक अशोक गहलोत सरकार का वो पाप है जो गंगा में भी 100 डुबकियां लगाने से भी धुलने वाला नहीं है। उसके लिए उनको उदारता से सहयोग करना चाहिए। ED अपना काम करेगी, निरपेक्ष तरीके से करेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, पेपर लीक के दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी। लेकिन भाई साहब, ACB ने आज एक ED के इंस्पेक्टर को राजस्थान में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। देखिए, मुझे लगता है कि यदि ACB निरपेक्ष तरीके से काम करे, तो यदि ACB ठीक काम करे तो ED भी ठीक काम करेगी। ये कांग्रेस क्या सनातनियों का सहारा ले रही है, अनादि को ज्वाइन कराया है, पहले तो सनातन को पोसते थे, आज सनातन को ज्वाइन करा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, अब वो किसी को शामिल करे उनके पाप धुलने वाले नहीं। सब गारंटियों पे गारंटी आई जा रही है, कुछ और आने की नहीं। अशोक गहलोत की कांग्रेस की गारंटी चीन के खिलौने की तरह जल्दी टूट जाती है। सात रथ निकाल रहे हैं सात बड़े नेता। मैंने कहा ना, उनकी गारंटी और वारंटी में कतई दम नहीं है। राजस्थान की जनता अब किसी भी तरीके से किसी भी गारंटी को स्वीकार नहीं करेगी। मुझे लगता है जनता ने गारंटी दे दी है कि कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आएगी। अब बताओ, हाथ कंगन को RC क्या, जो 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 दिल में था वो जुबा पे आ गया। फिल्म का नाम तो यही है उनका। आमेर में आपके सामने अभी प्रत्याशी नहीं उतार है कांग्रेस, अभी वो पहलवान ढूंढ रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, दंड पेल रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि मिले ही नहीं। प्रताप सिंह खाचरिया सरकार के विपरीत विधायक बनता है, अब की बार इस रिवाज को किस तरह बदलेंगे आप? देखिए, इस बार आमेर की जनता ने विकास को, व्यवहार को, चरित्र को और काम को देखा है। राजस्थान का वो विधायक हूँ जो कोरोना में अपनी जनता के साथ खड़ा था। विधायक कोष का 125% पैसा आमेर के विकास के लिए खर्च किया है। केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर CSR से लेकर भामाशाह तक यहाँ विकास के लिए जो एक शुरुआत की है। राजनीति केवल वोटों की नहीं, नारों की नहीं, सरोकारों की भी होती है। स्वरोजगार मेले से लेकर, मैराथन से लेकर, सुकन्या समृद्धि से लेकर, कोरोना की सहयोग किचन से लेकर, तमाम वो इनोवेशन थे जिससे आमेर की जनता ने भरोसा किया है। और इसलिए मुझे लगता है, मेरा कारण भी यही है कि आमेर की जनता मुझे अब किसी नेता के नाते नहीं, बेटे के नाते, भाई के नाते, भाई साहब के नाते जानती है। 8 साल से 80 साल तक के यहाँ के मतदाता का, कार्यकर्ता का यदि समर्थन और सहयोग मिलता है
तो ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि आमेर की जनता भी ये चुनाव तय कर चुकी है।